पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, और वाइल लूप में एक प्रॉब्लम देखा कि हाँ, अगर कोई डिजिट आपको यूज करना है और उस डिजिट को यूज़ करने के बाद ठीक है नेक्स्ट डिजिट निकालना है, तो प्रीवियस उस नंबर में से प्रीवियस डिजिट को आपको क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। गायब करने के लिए मैंने कहा उसे डिवाइड करिए और डिजिट निकालना है, जिसका मतलब मॉडुलस का इस्तेमाल कीजिए। ओके, और इसी बेसिस पर आज कुछ प्रोग्राम देखते हैं। पहला प्रोग्राम क्या कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। मतलब आपको एक नंबर दिया गया है और उसके सारे डिजिट्स को निकालिए, और निकालने के बाद आपस में सबको ऐड कर दीजिए। देखिए, मेन प्रोग्राम स्टार्ट तो मेन से होता है, लेकिन हम पहले बेसिक लॉजिक समझेंगे, लॉजिक, और देन बाकी प्रोग्रामिंग करेंगे। और यही सही तरीका भी है कि पहले आप लॉजिक सोच लीजिए, लॉजिक के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिसाइड हो जाएंगे, एंड देन उसके हिसाब से वेरिएबल डिसाइड करेंगे, डाटा टाइप लेंगे उसका, और फिर देखा जाएगा कि किसकी वैल्यू स्कैन करने की ज़रूरत है, देन स्कैन किया जाएगा। ओके, चलिए तो मेन लॉजिक की बात करते हैं। चलिए, प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक नंबर दिया गया है 4574 कुछ भी ले लेते हैं। क्या कर रहा है, सबसे पहले एक एक डिजिट निकालते जाइए और निकालने के बाद आपस में जोड़ते जाइए। तो डिजिट निकालने के लिए मैंने बताया था आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10। ओके, यहाँ पे पहली डिजिट 5 आई होगी, 5 तो आ गया, लेकिन क्या अभी भी नंबर n की वैल्यू चेंज हुई है, नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि n में आपने वैल्यू स्टोर नहीं किया, आपने जो आंसर आया उसमें r में स्टोर किया, तो n अभी भी क्या है, इतना ही है। और नेक्स्ट टाइम ठीक है, अगर आपको 7 निकालना है तो ये डिजिट यहाँ से क्या होना चाहिए, गायब, क्योंकि अगली बार जब मॉडुलस करेंगे अगर ये गायब नहीं होगा तो अगली बार भी 5 ही आएगा, और आपको क्या करना है 7, अगर 7 करना तो 5 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, गायब करना ही पड़ेगा। गायब करने के लिए मैंने बताया था n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। हो गया, ये क्या करेगा, एक डिजिट निकाला, निकालने के बाद ठीक है उसको r में स्टोर कर दिया, ये क्या करेगा, नंबर को चेंज करेगा, उसके लास्ट डिजिट को यहाँ से गायब करेगा, ताकि नंबर अब ठीक है 3 डिजिट का हो जाए जो 4 डिजिट का था। अब अगली बार जब जाएगा अगले राउंड में ठीक है, तो लास्ट डिजिट 7 है और ये निकलेगा, और निकलने के बाद फिर ये भी गायब कर देंगे, ये काम हो रहा है। अब क्या कह रहा है, जब आपने डिजिट निकाला, निकालने के बाद उसी आपस में जोड़ना है, मतलब पहली बार 5 आया, ओके, इसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मान लीजिए आपने एक सम नाम का वेरिएबल लिया, इसमें स्टोर कर लिया, जब अगली बार 7 आएगा तो इसी में जाके क्या हो जाए, ऐड हो जाए। इसका मतलब सम की प्रीवियस वैल्यू में ही नई वैल्यू को क्या करते जाना, ऐड, इसका मतलब सम प्लस, और जो निकाल रहे हैं दैट इज डिजिट, और वो किस में स्टोर हो रहा है, आर में, तो सम प्लस आर, और यही बार बार सम की वैल्यू होती जा रही है। समझिए, पहली वैल्यू आई ठीक है, उसको सम में स्टोर कर लिया, तो इसका मतलब सम की स्टार्टिंग वैल्यू कुछ होनी चाहिए, और क्या होगी, 0। ओके, क्यों 0, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर 0 न रखें ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमने 0 रखा तो 0 प्लस 5 कोई असर नहीं, लेकिन अगर आप 0 नहीं करेंगे तो सिस्टम खुद से कोई वैल्यू लेगा, दैट इज़ गार्बेज वैल्यू। हो सकता है आपने सोचा 5 गया, तो यहाँ से पहले से ही मान लीजिए 10 है ठीक है, तो पहली बार जब आपने 5 स्टोर किया तो 0 प्लस 5 तो 5, लेकिन अगर गार्बेज वैल्यू है तो ये 10 हो गया, तो जो 5 होना चाहिए वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 15, मतलब आंसर जो है वो 10 प्लस करके ही आएगा। तो इसीलिए सम की स्टार्टिंग वैल्यू कितना लिया मैंने, 0। चलिए, और यही काम आपको तब तक करते रहना है वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, और यही है मेन लॉजिक। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं, एक n है, एक r है, एक सम है, n, बाकी कोई नहीं है, मतलब 3 वेरिएबल की ज़रूरत है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मेन 3 वेरिएबल लिया, इंट r n सम बराबर 0। अगर इसमें किसकी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ये लूप तब तक नहीं चलेगा जब तक हम किसकी वैल्यू स्कैन ना करें, एन की, तो बस एन की वैल्यू आपको देनी है। तो प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन या एन, कोई भी मैसेज दीजिए, और इसकी वैल्यू क्या कीजिए, स्कैन, ये यहाँ बंद हुआ, ये मेन की एक बॉडी बची हुई है, लेकिन सम आ तो गया,
ये दिखेगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा। डिस्प्ले कराने के लिए बॉडी बंद करने के बाद के बीच में आप क्या करिए, डिस्प्ले करा दीजिए, प्रिंट एफ सम बराबर, या लिख दीजिए सम ऑफ डिजिट्स बराबर सम ऑफ डिजिट्स बराबर परसेंटेज डी कामा सम। ओके, तो ये है पहला प्रोग्राम कि आपको एक नंबर दिया गया है, नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करना है। सिंपल लॉजिक फिर से एक बार देख लीजिए, ये निकालिए मतलब मॉडुलस। ओके, फिर अगले राउंड में आपको 5 निकालना है, इसके लिए इसे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने का मतलब गायब कीजिए, और गायब करने के लिए इसे डिवाइड कर दीजिए। ओके, और जो आर आ रहा है ठीक है, वो कैसे करना है, आपस में जोड़ना है, स्क्वायर करके जोड़ना है, क्यूब करके जोड़ना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए। ओके, चलिए।